ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਲਵਾਈਏ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਗਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਾਈ ਫਿਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा लगेगा और आप हमें किस किस जगह से देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और माशाल्लाह से हमारी जो मक्की है वो बहुत अच्छी निकल आई, लेकिन कहीं कहीं पर जो है ना वो हमें दुख हो रहा है। ये देखें आप, ये मैंने पहले काउंट किए हैं, ये तकरीबन 19 बनते हैं। ये बीज जो है ये ज़ाया ही हैं, इनमें से एक दो जो हैं उनको ही छली लगेगी, ठीक है, बाकी जो है वो ज़ाया ही है। और माशाल्लाह से वैसे आप देखें तो मक्की बहुत खूबसूरत जो है वो निकली खड़ी है। अभी इसको हमने दो पानी जो है वो लगा दिए हैं और उसके बाद जो है अब इनको एक जो स्प्रे है हफाजती एक और होता है वो हम करवाएँगे सुंडी वगैरह से बचाने के लिए। और ये मुझे ये आप देख सकते हैं कि साथ जो है वो मैंने आधा किलो जो है वो बीज उठाया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों मैंने उठाया हुआ है। तो बाकी आप देखें माशाल्लाह से मक्की जो है वो नागा वगैरह तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एक जो है वो दुख है कि बीज जो है वो कहीं कहीं पे ज़्यादा लग जाता है। इस बार जी ये होया कि पहले एक थला लेके आने सा तो उनके नाल सवा किलो लगता सी, इस बारी पाँच पाँच किलो के प्लाट में साढ़े पाँच पाँच थैले बीज लगे हैं। समझ रहे जी गल, कि पहले एक थैले ना सवा किला लगता सी, हूँ एक थैले ना किला भी मसे लगता है मशीन नाल। कोई तो बंदे आते हैं कि उन्होंने ना जोड़ा बीज है वो ही हौला करता है, तो फिर जिमें हर बंदे का आधा एक एक्सपीरियंस है आधे हिसाब ना हर बंदा एक गल दसद। तो बाकी जी मशीन है मक्की जी तुम लगी वे पहले ये जो मैं आधे हाथ ना दस देना मेरी ताली गिट छोटी, मतलब कि ये भी ना गिट के बिच लगी हुई है, ठीक है। तो अगर औरतों ने वेखोगे तो गिट तो बाहर होगी, वो भी दोनों से विखावे, लेकिन आख लो आज ना गिट के बिच है आखते पे आना गिट के बिच है। तो जी औरतों ने हाथ की मक्की लगी हुई है वह गिट तो बार बार है, इस वास्ते फिर ना वो जोड़ा बीज की कमी पेशी वो आ जाती है। माशाल्लाह एक तो एक और इन्होंने मशीन वाले ने जो काम साढ़े ना किया वह दोनों मैं विखा देव ताकि तुम तो भी जरा होशियार रह जाओ, जो आधा बंदा मगर ना ना हो तो फिर काम खराब हो जाए। लेकिन मक्की जी माशाल्लाह सोहनी निकली खाली। तो हूँ मैं दोनों विखावगा नुकसान जो मशीन नाल मक्की लवाइए तो बंदे गहली कर देते नहीं वेहते, तो वह नुकसान भी मैं नाल चाई फिरना, तो नुकसान भी दोनों विखा देव आन वेने पे तुसी। माशाल्लाह लो जी सारी लैन वीरे पूरे ढाई किलो की लैन है, तो किधर दोनों पत्ता जरा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हूँ की होया कि ड्राइवर साहब ने जो कोलियां होंगे उनके बीज नहीं वेखिया, वो वेलियाँ बजाई बता है, ठीक है, वो असी हूँ वेख्या तो वो अल्लाह कित हूँ वेख लवो। चोपे तो लगे खड़े ने, हूँ एक लगे खड़े, एक लगे खड़े, एक लगे खड़े, लेकिन जोड़ा ना बिच बी कौनी सी और डब्बिया बनिया होंगे मुख्तलिफ, ठीक है, पांच डब्बिया बनिया होंगे इवें करके, तो हर डब्बी चला चला बी पैंता किलो किलो, तो वह मुक् गया, बाकिया में है उनके नहीं है, उन्हें जनाब साहब इवें बजाई बताई वेख लो हूँ बाकी सारे पास मक्की लगी खड़ी है, तो वह विचली लैन तो सिर्फ हम चोपे लगे खड़े तो मक्की जी है नहीं। हूँ मैं लैते आया बी हूँ इसे इतने लोग वास है, अल्लाह करसी जे नसीबा में होई तो हो पैसे हो तो पैसे हो उन्होंने अल्लाह की, तो बाकी जी फिर वो चस्ते नहीं ना होनी हूँ तुम वेख लो ढाइया किलो लैन तो लम्मी पूरी, तो उत्थे कर तुमने बी पा लिया आ एक तो दो मतलब कि जड़ा ना डेढ़ किला वह उवें बजाई खड़ा से, फिर जाके उन्होंने अगर पता लग गया ये तो इंदा फिर अंगैली कर देते बंदे। हम तुम आखो इत भी जोड़ा है ना इत पता नहीं की काम होया इत भी है ना चोपे लगन वाले तो आखते पे आँगी थोड़ी बहुत अंगैली, तो अंगैली भी ता ही होंगी कि मशीन है, मगर जो बंदा ना आए तो फिर वो ड्राइवर साहब नहीं पता लगता फिर बजाई फिर चलो लगती पई है। तो बाकी हूँ असी हाथ ना लगवावे तो अल्लाह खैर कर सी हो पैसे। बाकी तुम कमेंट सैक्शन में लाजमी दसा थोड़े तरफ भी मशीन की मक्की जी लगी हुई है वो किस तरीके निकल रही है, नाले
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਵਾਈਏ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਨਾ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਮੱਕੀ ਸੁਣ ਨਿਕਲੀ ਖਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਬਾਗ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਣ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏਗਾ।